नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है। तो कल हमने इसका इंस्टॉलेशन देखा था, इसका वीडियो भी हमने बनाया है, इसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो अभी हम इसमें जानते हैं, हुआ ये कि हमने जब इसको इंस्टॉलेशन किया तो हमें ब्लैंक विंडो का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है, आज उसी का हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, कैसा करते हैं, क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले अभी हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पे हम OBS स्टूडियो स्टार्ट करेंगे। OBS स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद में जैसे स्टार्ट होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करना है। डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करने के बाद में ओके करना है तो ये ब्लैंक विंडो आ रही है। ये ब्लैंक विंडो नहीं आती, इसमें विंडो में विंडो ऐसे मल्टीपल विंडो आपको शो करती है जब आप ये पूरा स्क्रीन कैप्चर कर रहे होते हैं तब। तो ये प्रॉब्लम किसके वजह से है, तो ये ग्राफिक्स कार्ड की वजह से प्रॉब्लम होता है। विंडो समझ नहीं पाता है कि ग्राफिक्स कार्ड कौन सा ले, अगर इंटेल का इनबिल्ट होगा या एनवीडिया का होगा तो वो कौन सा ले। तो हमें इसको बताना है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो वो कैसे सेटिंग कर सकते हैं, ये सेटिंग के लिए हमें इसको क्लोज कर देंगे। पहले OBS को क्लोज करते हैं, उसके बाद में आपको जाना है सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है ग्राफिक्स सेटिंग, ठीक है। उसके बाद में इसको करना है ओपन। अभी ओपन होने के बाद में आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद में यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने प्रोग्राम फाइल या OBS स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा उसमें बिन फोल्डर में 64 बिट में आपकी OBS 64.exe की फाइल यहाँ पे उसका पाथ देना है। जैसे मैंने अभी मेरे इसमें देखी है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये पाथ है C: प्रोग्राम फाइल्स OBS स्टूडियो बिन 64 बिट। ये मैं पूरा पाथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो, आप कॉपी करके भी यहाँ पे आ सकते हैं अगर आपका सी ड्राइव पे है तो, ठीक है। कोई केस में डी ड्राइव पे रह सकता है, अलग अलग ड्राइव पे रह सकता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली OBS 64 बिट डॉट exe पे क्लिक करना है, ऐड करना है। एक बात आपको बड़े प्यार से बताता हूँ दोस्तों, अगर इससे आपका सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन पे क्लिक करना है, पावर सेविंग पे क्लिक करना है और सेव करना है, बस इतनी सी सेटिंग करनी है। इसको क्लोज कर देंगे। अभी देखिए मैं OBS स्टार्ट करता हूँ, आपका OBS ब्लैंक विंडो का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए डिस्प्ले कैप्चर ओके, देखिए हो गया आपका प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके इसको मिनिमाइज करके आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार रिफ्रेश किया, दो बार रिफ्रेश किया, ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक छोटा सा प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन भी आपको मैंने कम समय में दिया है। हो सके तो दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।